फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इसराइल के शहरों पर रॉकेट अटैक किया है। वहीं इसराइल के विदेश मंत्रालय की ओर से भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कितनी ताकतवर है इसराइल की आर्मी। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। इसराइल में हमास के हमले के बाद इसराइल की सेना एक्शन मोड में आ गई है। इसराइल की सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में कहा है कि हमास के हमले के जवाब में उन्होंने गाजा पट्टी पर उसके ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। इसराइल की रक्षा मंत्री ने हमास के आतंकी हमले के बाद अपना आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल इस युद्ध के लिए तैयार है और वो ये युद्ध जीत लेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसराइल के पास इतनी ताकत है कि वो सच में ये युद्ध जीत सकता है। तो इसराइल की सैन्य ताकत के कई कारण हैं, जिसमें से कुछ में इसकी सैन्य नीतियां, हथियार संगठन और अमेरिका से मिलने वाला समर्थन शामिल है। इसराइल अपने सैनिकों को ट्रेनिंग और उनके हथियारों को अपग्रेड करने पर काफी खर्च करता है। यही कारण है कि इसराइल को मध्य पूर्व में सबसे मजबूत देश बनाता है। इसराइल रक्षा इतिहास में सबसे एडवांस हथियारों का दावा करता है। इसकी मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम मिसाइल हमलों को रोकने के लिए बहुत अधिक कारगर है। सिस्टम का एक प्रमुख हिस्सा आयरन डोम है, जिसे 2011 में इजरायलियों ने बनाया था और इसने इजरायली बस्तियों पर दागे गए लगभग 90% रॉकेटों को रोक दिया था। आयरन डोम मध्य पूर्व में बेजोड़ है। इसे दोहराने की तकनीक किसी भी देश के पास नहीं है। इससे भी अच्छी बात यह है कि मध्य पूर्व का कोई भी देश अब तक इस पर काबू नहीं पा पाया है। हालांकि इसराइल अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी आयरन डोम की बदौलत वो सुरक्षित है। उसकी मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम एरो मिसाइल से भी सुसज्जित है, जो वायुमंडल में आने वाले दुश्मनों के रॉकेट्स को रोक सकती है। MIM-104 पेट्रियट और डेविड सिंगल मिसाइलें दुश्मन के सभी प्रकार के विमानों और रॉकेट्स को रोकने की क्षमता रखती है। ये मिसाइलें सुनिश्चित करती हैं कि इसराइल का हवाई क्षेत्र विदेशी आक्रमणों से अच्छी तरीके से सुरक्षित रहे। मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम बड़ी इजरायली वायुसेना का हिस्सा है, जो इसराइल की ताकत की रीढ़ है। ये वही इसराइल देश है जिसने आजादी के 24 घंटे के भीतर ही पड़ोसी अरब देशों से जंग लड़ी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ जहां देश के नागरिक आजादी मना रहे थे, उसका जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी जो सेना है वो जंग लड़ रही थी। ये बात 1948 की है। इसराइल के लिए ये तब काफी कठिन समय था, क्योंकि उसके पास उतनी सुविधाएं, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के समय में उसके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिससे अमेरिका को भी डर लगता है। एक साल तक चली इस युद्ध में आखिरकार इसराइल की जीत हुई और अरब देशों की सेनाओं ने हार मान लिया था। तो फिलहाल वापस से मिडल ईस्ट में जो हलचल है वो बढ़ गई है, लेकिन हर एक चीज से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।